माँ गंगा के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते अपने प्राण त्यागने वाले प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के बाद अब संत गोपाल दास भी उनकी राह पर चल पड़े हैं। गंगा की निर्मल धारा के लिए लड़ रहे संत गोपाल दास संथारा पद्धति से अपनी देह त्यागना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है। देहवासन के बाद उन्होंने अपने शरीर को एम्स को दान करने की भी इच्छा जताई है। मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए आप। चुनाव से पहले गंगा की सफाई को लेकर बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने गंगा की सफाई को लेकर लोगों से सहयोग मांगने के अलावा करोड़ों रुपए का बजट जारी करने का दावा भी किया। मैली हो गई है तो उसको लगता है क्या करें? आप मुझे बताइए भैया, हमारी गंगा शुद्ध होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सुना आपने गंगा की सफाई को लेकर कैसे पीएम मोदी लोगों के बीच बेबाकी से भाषण दे रहे हैं, लेकिन अब तक ना तो गंगा साफ हो पाई है ना उसकी धारा निर्मल। ऐसे में अब बीजेपी को संतों और पर्यावरणविदों के विरोध का भी सामना भी करना पड़ेगा। गंगा को लेकर पहले 111 दिनों तक अनशन पर बैठे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने अपने प्राण त्याग दिए। अब ऋषिकेश के एम्स में भर्ती संत गोपाल दास ने गंगा को लेकर रखे अपने मौन व्रत को तोड़ते हुए अपनी देह त्यागने की बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में संत गोपाल दास ने संथारा यानी अन्न जल त्याग कर देह त्यागने की अनुमति मांगी है। स्वामी गोपाल दास ने बीजेपी सरकार पर तानाशाह होने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश में अब सूट-बूट की सरकार आ गई है, पीएम मोदी ने जितने भी वादे किए धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं, उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है, पूरा सिस्टम ना जाने किस साजिश के तहत गूंगा और बहरा हो गया है। इसलिए वे जैन धर्म परंपरा के तहत संथारा पद्धति से गंगा के लिए देह का त्याग करना चाहते हैं। स्वामी गोपाल दास ने कहा कि मां गंगा के संरक्षण को लेकर जिस तरह माहौल है उसमें देश भर के संतों विद्वानों गंगा प्रेमियों को भी अपना मौन तोड़ना चाहिए। जीवन दायिनी गंगा की बर्बादी का तमाशा मूक दर्शक बनकर कब तक लोग देखते रहेंगे, पहाड़ पूंजीपतियों की बपौती नहीं है। गंगा संरक्षण के लिए एनजीटी कैग शोध संस्थानों और सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों तक ताक कर रख दिया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, इंतजार है कि वह कब जवाब देंगे। इसके साथ ही आंदोलन की अगली रणनीति तय होगी। आपको बता दें गंगा को लेकर प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का निधन भी हो चुका है। इससे पहले साल 2011 में गंगा की रक्षा के लिए अनशन करते हुए संत स्वामी निगमानंद और 2013 में स्वामी गोकुलानंद की भी मौत हो चुकी है। संत गोपाल दास के बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर वार किया है। राहुल गांधी ने लिखा कि संत गोपाल दास का बिगड़ता स्वास्थ्य देश के लिए चिंता का विषय है। गंगा में खनन पर हर रोक लगाने के लिए 24 जून से उपवास पर बैठे हैं। संत गोपाल दास हमारे बीच स्वामी सानंद यानी प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की आवाज हैं। ये आवाज बुलंद रहनी चाहिए। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि कांग्रेस की ओर से संत गोपाल की आड़ में गंगा को लेकर शुरू की बयानबाजी अब सरकार की ओर से क्या जवाब आता है। देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए एनवी न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।